महाभारत का अवलोकन किया जाए तो सारथी बनना केवल घोड़े चलाना ही नहीं है, बहुत गंभीरता से देखिएगा नीचे बैठे हैं श्याम सुंदर। सारथी की खोपड़ी से तो दोनों तरफ के तीर जाते हैं महाराज, अपना वाला तीर भी उसके सिर से निकलेगा और शत्रु का तीर भी उसके सिर से ही आएगा महाराज, और सबसे पहला टारगेट ही सारथी होता है। अगर सारथी घायल हो जाए तो रथ आगे नहीं बढ़ेगा, युद्ध जीतना आसान। इतना ही नहीं महाराज, सारथी को ऐसा हमने संतों से सुना है, सारथी को जब निवेदन किया जाता है अब युद्ध चल रहा है चारों तरफ, तो मुंह से बोलोगे क्या? इतना तो अवकाश ही नहीं है। जैसे आप गाड़ी चलाते हो एक्सेलरेटर और ब्रेक पैरों से लगाते हो, ऐसे ही जब रथी चलाता है और सारथी सामने बैठता है तो अपने पैरों के स्पर्श से सारथी को संकेत करता है कि तेज चलो, कि नीचे बैठो, कि दाएं लो, कि बाएं लो। अर्जुन तो श्री कृष्ण से सेवा ले और रहा है महाराज, पांडवों ने कहां सेवा करी? पांडवों ने तो श्याम सुंदर से सेवा ली ही है महाराज। बुआ कुंती बैठी बैठी गिना रही है अपनी स्तुति में, ठाकुर जी आपने हमें विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनाथ असत सभाया वनवास कृच्छत मृदे मृदे ने कमहारथास्त्रतो द्रौण्यस्त्रतश्चास्म हरे विरक्षितः। सेवा ली है महाराज, ठाकुर जी की सेवा की कहां है महाराज, अवसर ही नहीं बना बिचारों को। वनवास में क्या सेवा करे, अज्ञातवास में क्या सेवा करे, बचपन से पीड़ा आई भैया क्या सेवा करें, पिताजी चले गए क्या सेवा करें, सेवा को तो अवसर ही नहीं बना। और सेवा करने का अवसर बना तो ठाकुर जी बोले भैया अब राज्य मिल गया, हम चले द्वारिका। अब तो पांडवों ने सोचा था अब सिंहासन पर हम बैठे हैं, श्याम सुंदर की थोड़ी सेवा करेंगे, कराई और महाराज बहिन तक मांग ली, रिश्तेदारी बना ली, सब किया, पर फिर भी श्री ठाकुर जी पांडवों से प्रसन्न क्यों हैं? क्योंकि पांडव श्याम सुंदर के अनुकूल हैं, उनके स्वभाव को जानते हैं, उनके जीवन में कोई ऐसा काम नहीं है जो गोपाल के स्वभाव के प्रतिकूल हो। एक कार्य उन्होंने ऐसा नहीं, अनुकूलता ही भक्ति की सर्वोत्तम स्थिति है। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमः। और इस अनुकूलता का बोध तब हो सकता है जब स्वभाव का बोध हो जाए।